हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीजे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स है जो 2017, 18 और 19 में आए हुए सभी क्वेश्चन पेपर में से जितने भी आपके ट्रांसक्राइब आए हैं ट्रांसक्राइब को कहते हैं हम फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो जितने भी आपके फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे तो देखिए मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं करवाने जा रही हूँ मैं आपको सिर्फ कार्ड में सिर्फ फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए और कोई भी फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके एग्जाम में आएगा तो आप वहां पर उसे इजिली सॉल्व uh, कर सकते हैं उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका फोर्थ का ए पार्ट आता है ट्रांसक्राइब एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस आपको देखिए पहले तो ये वर्ड दिया जाएगा यानी कि ये सभी वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपके एट मार्क्स के फाइव मार्क्स के जितने भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में जितने मार्क्स के होंगे उतने ही आपको वर्ड्स फोनेटिक फनेटिकली ट्रांसक्राइब करने पड़ेंगे तो चलिए फर्स्ट है देखिए यहाँ पर वर्ड सोसाइटी सोसाइटी है जो ये यहाँ पर ये वर्ड लिखा है सोसाइटी इसको हम देखिए जब फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं यानी कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन uh, करते हैं जब इसका तो इसको हम सोसाइटी नहीं बोलते वैसे तो हम रूटीन में इसको सोसाइटी बोल देते हैं पर इसका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सोसाइटी नहीं होता तो इसको हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे तो देखिए आप सीखते जाइए ऐसे आप हर एक वर्ड uh, है जो उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें क्या लगाना होता है स्लैश स्लैश क्या होता है ये तिरछा जो डंडी होती है तिरछी डंडी होती है उसको हम स्लैस बोलते हैं तो सबसे पहले हमें स्लैस लगाना होता है फिर हमारे पास क्या है सोसाइटी हमें हिंदी में लिखना है स सा स, सा ई टी सोसाइटी। तो सबसे पहले स स के लिए हमने लगाया ऐसे है जो हमारा और फिर है अ स के बाद देखिए यहां पर साउंड आती है एक अ, स, स, अ स, तो इस अ के लिए जो बिल्कुल मामूली सी एक साउंड आती है उसके लिए हम यूज करते हैं सबा का जब मामूली सी साउंड आती है तो इसको कैसे यूज करते हैं हम सबा के रूप में करते हैं तो इसको हम सबा बोलते हैं जब हम उल्टी ई लिखते हैं तो इसको सबा बोला जाता है स अ फिर स आया इसके लिए फिर से हमने ऐसे लिखा फिर आ और ई हमारे पास क्या बचा आ और ई अब आ को हम कैसे लिखते हैं आ ई यहाँ पर देखिए आ ई तो क्या बना हमारा आ ई लगाकर आई तो आई मिलाया तो क्या बना आ और ई स सा अब देखिए ई तो ये है हमारा सोसाइटी जब हम वाई को चेंज करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तब हम इसकी जगह स्मॉल ई लगाते हैं इसको हम स्मॉल ई बोलते हैं और जो बड़ी ई होती है वो होती है हमारी ये इसको हम बड़ी ई बोलते हैं एक वन डालकर इसके पीछे दो डॉट लगा दिए जाते हैं इसको बड़ी ई बोलते हैं और इसको छोटी और बाई की जगह हम कौन सी लगेगी छोटी ई यूज की जाएगी तो तो देखिए कैसे बनाया हमने इसको एक स्लैस लगाया स अ, स आ ई ट ई सोसाइटी अब देखिए साथ में आपको दिया है मार्क प्राइमरी स्ट्रेस तो प्राइमरी स्ट्रेस को हम कहाँ लगाएंगे प्राइमरी स्ट्रेस के लिए मैंने रूल्स करवाए हुए हैं जो आपको प्ले में मिल जाएंगे और अगर प्ले में नहीं मिले तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहां पर आप प्राइमरी स्ट्रेस को कहाँ पर लगाते हैं ये रूल्स आप वहां फॉलो कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा स साइटी तो ये साइटी है जो इसमें हमारे पास कितने हैं देखिए बोवल वन एंड टू यानी कि ज्यादा बोवल हमारे इस साइड है तो हमें क्या करना है स के ऊपर क्या लगाया प्राइमरी स्ट्रेस प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रेस कैसे लगाया जाता है तो एक डंडी लगा दी जाती है जहां पर हमें स्ट्रेस लगाना है और देखिए कभी भी बोबल के ऊपर जैसे कि ये बोवल अ है आई है ये हमारे बोवल होते हैं ई है अ आई ई ये बोवल है और जब हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेट साउंड्स होती हैं इनके ऊपर ही हमेशा स्ट्रेस लगाया जाता है तो हमने किसके ऊपर लगाया स के ऊपर लगाया नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कल्टीवेट कल्टीवेट अब देखिए इसको हिंदी में लिखिए एक बार क ल टी और फिर व ए कल्टीवेट सबसे पहले है क सबसे पहले तिरछी डंडी लगानी है हमें फिर जो क है चाहे हमारे पास सी है चाहे के आई चाहे सी है चाहे सब के सबके लिए हमें के ही यूज करना होता है जब क की साउंड होती है तो कल्टीवेट है ये तो हमने क्या लगाया क और फिर लगाया जो ये यू है यू को कैसे बदला जाता है ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे बदला जाता है जैसे कि बी यू एस बस होता है उसमें भी हम इस अ का यूज करते हैं तो इसको हमने लगाया अ में क।, फिर क, क के बाद क्या साउंड है यहां पर क अ ल यहां पर अ और फिर ल ल का लगाया स्मॉल एल कल फिर ट है टी लगाया ट के लिए कल्ट ई ई लगाया कल्टी और फिर है हमारे पास ये वाला व है तो इसके लिए वी साउंड लगाई जाती है वैन वाला भी है ये तो यहाँ पर हमने लगाया व और फिर यहाँ पर ऊपर क्या है इसके ए की साउंड ए को कैसे बनाए जाते हैं जैसे सोसाइटी में हमने आई बनाया अब ए को कैसे बनाते हैं ई e और आई बनाकर ई e और आई को मिलाकर क्या बनता है ए तो ये आपको याद रखना है तो यहां पर हमने कौन सी साउंड लगाई ई e और आई की इसको मिलाकर क्या बन गया ए और फिर हमारे पास क्या है लास्ट में ट तो ट लगाया और यहां पर स्लैश को बंद कर देंगे अब देखिए कल्टिबेट अब यहाँ जो हमारा कल्टीवेट है इसको हमने यहाँ लिख दिया है अब उसके बाद आता है हमारा मेमोरियल मेमोरियल है जो इसको मेमोरियल नहीं बोला जाता हम इसको मेमोरियल बोलते हैं पर जब इसका हम फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब हम इसको मेमोरियल नहीं बोलते ये हमारा क्या होता है मेमोरियल म म के लिए देखिए जब हमारा पूरा मैं है तो इसके अंदर ही अ की साउंड भी आती है जैसे क के अंदर थी और जैसे स के अंदर थी तो मैं के अंदर भी क्या है यहाँ पर साउंड है क्योंकि पूरा मैं जब आता है तो इसके अंदर एक ए की साउंड अपने आप आ जाती है चाहे मैं है चाहे कै है जब हम इसको पूरा लिखते हैं तो ये हमारी पूरी साउंड होती है यानी कि क के साथ अ साउंड भी मिलकर आई है अगर इसके नीचे हलंत आ जाता है तो ये आधा कै है और अगर ये ऐसे लगाए तो ये हमारा म की साउंड होगी पर इसके साथ अगर ये लगा दिया है तो यानी कि इसके साथ क्या जुड़ चुकी है अ की साउंड जुड़ चुकी है अब देखिए पर है मोमोरियल 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 में कैसे बनाएंगे हम म मो, मोरियल मोमोरियल अब देखिए म है म के लिए म एम लगाया फिर अ की साउंड लगाई अ की साउंड में क्या आएगा हमारा जैसे सोसाइट में सोसाइटी uh, के अंदर आया था सभा वैसे ही हमने म अ, म मोरियल फिर म आया अब ओ यहाँ पर क्या है ओ इस ओ के लिए ओ लगाया ये ओ होता है हमारा ममो रियल अब देखिए र है र लगाया स्मॉल और फिर इ के लिए हमने क्या लगाया इ ईय के लिए इय। इय। ये हमारा इ होता है इ ई और अल ममोरियल अ और फिर ल और फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा ममोरियल अब देखिए ये मेमोरियल है यहाँ पर जो ये म है यहाँ पर हमारा क्या होता है ज्यादातर हम ये स्टार्टिंग के साउंड को छोड़ देते हैं और जो उसके बाद की साउंड होती है वहां पर हम क्या करते हैं ये लगाते हैं जो हमारा प्राइमरी स्ट्रेस होता है अब देखिए म मोरियल मोरियल ये अपना पूरा वर्ड है तो यहाँ पर म के आगे क्या लग जाएगा प्राइमरी स्ट्रेस तो ये देखिए वैसे तो बोवल पर बनता है हमारा स्ट्रेस पर कभी भी बोवल पर हम लगाते नहीं हैं हम हमेशा कॉन्सोनेंट पर यूज करते हैं अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा एबसेंट एबसेंट है जो जब यहाँ पर ए यूज कर रहे हैं इस ए को हम बोल रहे हैं तब हम क्या करते हैं ये साउंड यूज करते हैं एबसेंट तो यहां पर सबसे पहले क्या लगाया स्लैश लगाया ए ए के लिए हमने ये यूज किया और फिर ब और फिर स का स और फिर जो ई है यहाँ पर ई की साउंड है जो हम किसमें बदल देंगे एबसेंट इसको क्या बोला जाता है पहले तो हम लिख लेते हैं एबसंट एबसेंट और देखिए जब अ की साउंड देता है ई तब हम इसकी जगह पर क्या लगाते हैं सबा वो भी हमारा क्या है साइलेंट है एबसेंट सेंट तो ये एक साथ हमने बोल दिया है तो यहाँ ई है जो सबे के रूप में आएगा पर सबा क्या है यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाता है जब ये बिल्कुल मामूली साउंड है तो यहाँ पर क्या आएगा एब न और ट ट एबसेंट अब देखिए इसके बाद है जो हमारा वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट तो ये हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में हमने सबसे पहले लगाया स्लैश अब कॉन्ट्रैक्ट को हम लिख लेते हैं कौन कौन ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क और फिर ओ की साउंड है ओ के लिए हमने क्या लगाया ये वाला ओ आएगा हमारा कप की तरह जो बनाया जाता है क ओ न कौन ट्रैक्ट र ए बोला है हमने यहाँ पर जैसे एबसेंट में था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी यही ए यूज हुआ है एबसेंट कॉन्ट्रैक्ट ए बोला है हमने तो हमने क्या लगाया ये साउंड लगाई कॉन्ट्रैक्ट अब क और कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगेगा कौन ट्रैक्ट अब देखिए कौन इसको छोड़ दिया अब हमारे पास है ट्रैक्ट तो यहाँ टी के ऊपर हमने क्या लगाया प्राइमरी स्ट्रेस क ओ न ट र ए कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हमें बोल बोलकर जैसे हम फर्स्ट क्लास में बोलते हैं नर्सरी से स्टार्ट हो जाते हैं तो ठीक उसी तरह से हमें इनको लिखना होता है कॉन्ट्रैक्ट अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड इंसल्ट अब देखिए इन सल्ट इंसल्ट सबसे पहले है हमारे पास यहां पर लिख देती हूँ मैं स्लैश और फिर ई के बाद हमने क्या लगाया न फिर स इन स अल्ट इंसल्ट इंसल्ट अब देखिए ये साउंड यहां पर यूज हो गई जैसे कि हमने कल्टिवेट में थी वैसे ही क्या है यहाँ पर इंसल्ट में क्योंकि जहां पर यू होता है हमें क्या यूज करना है ये साउंड यूज करना है ए का इन सल्ट ल, ल और फिर ट इंसल्ट अब देखिए उसके बाद है जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट 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 को हम कैसे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमें ये राइट करना है ओब ऑब्जेक्ट अब सबसे पहले हमने क्या लगाया के के लिए Slash. O. O के लिए हमने क्या लगाया ये वाला ओ हमारा यूज होगा ये कप वाला कप की तरह हमें ये बनाना होता है इसलिए मैं कप वाला बोलती हूं इसको अब ऑब्जेक्ट बनाया ओ ये ज होता है जो डी और ये साउंड आ जाता है थ्री वाला हमारा ये जे के लिए यूज करते हैं हम तो डी और ये साउंड हमने यूज किया और फिर, और फिर क और फिर ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो देखिए यहां पर जेक्ट है जो ये हमारा ब ज क, ट। तो ये साउंड हमारी एक साथ यूज हुई है और यहां पर हम क्या करेंगे इस बी के लिए यहां पर एक प्राइमरी स्ट्रेस लगा देंगे इनके रूल्स आप देख लेना आपको ये मिल जाएंगे प्राइमरी स्ट्रेस के वीडियो में अब देखिए उसके बाद है डिटेल डिटेल है जो इसको हम कैसे लिखते हैं हिंदी में तो पहले हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखने से हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है सभी चीजें तो डिटेल डी ड और ई ट ए ल डिटेल अब देखिए डिटेल में सबसे पहले हमने लगाया स्लैश और फिर हमने क्या लिखा ड और फिर ई डी डी ट ए अब ये ए है ए को कैसे लिखते हैं ई और आई को जोड़कर जैसे कल्टी वेट में हमने बनाया था वैसे ही डिटेल में ई और आई को जोड़कर क्या बना ए फिर ल डिटेल तो, तो देखिए यहां पर है डी और फिर टेल अब ये ड ई डी टेल तो यहाँ ड है जो यहां पर हम प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे उसके बाद है देखिए डी क्रीज डी क्रीज तो यहां पर हमें क्या करना है डी क्रीज में सबसे पहले हमें ये लिखना है डी क डी क्रीज तो देखिए सबसे पहले स्लैश लगाया फिर ड और ई डी अब देखिए जहां भी हम ये आगे वाले ई लगाते हैं तो इसके लिए हमें ये ई यूज करनी है जैसे हमने देखिए किस में किया है डिटेल में डिटेल में कौन सी ई यूज की जब हम छोटी ई लगाते हैं हिंदी में तो हमें यहां पर कौन सी ई लगानी है बड़ी ई ऑपोजिट हो जाएगी वैसे ही देखिए डी में डी क्रीज इसमें भी हमें छोटी ई लगाई है हिंदी में तो यहां पर क्या हो जाएगी बड़ी ई डी क्रीज अब क्रीज है जो क र और e, स decrease तो यहाँ क्या होता है डिक्रीज यहां पर ज की साउंड नहीं होती यहाँ होती है हमारी स की साउंड डिक्रीज क्योंकि यहाँ पर एस दिया है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एस ही लगाएंगे तो सबसे पहले हमें ये हिंदी में लिखना है सस्पेक्ट स ट सस्पेक्ट 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 अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है सस्पेक्ट में सबसे पहले स्लैश फिर स फिर यहाँ पर देखिए जैसे सोसाइटी के अंदर आया था वैसे ही सस है यहाँ पर स अ सस तो बीच में अ uh, की साउंड है तो क्या लगेगा सबा लगेगा जैसे सोसाइटी में लगाया था हमने और फिर है हमारे पास दोबारा से sir, जैसे सोसाइटी में था सस फिर पैक्ट अब देखिए जब ये पी ई सी टी मैंट एम ई एन टी ऐसे वर्ड होते हैं ये मैंट पैक्ट बैंट तो हम ई e होता है जो ये इसको यही साउंड लगा देते हैं सेम साउंड सस्पेक्ट अब हमारे पास क्या बचा सी और टी है सी होता है इसको हम क्या प्रनाउंस कर रहे हैं यहाँ पर क और ट तो क के लिए क्या लगाया क और फिर ट फिर जो हमारा ये स्लैश है वो लग जाएगा अब देखिए स छोड़ दिया जैसे हमने सोसाइटी में छोड़ा था अब यहाँ पर क्या बचा ये साउंड है अब स के ऊपर क्या लग जाएगा प्राइमरी स्ट्रेस लग जाएगा इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम uh, का जो आपके है ये क्वेश्चन पेपर का ट्रांसक्राइब एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस सेम वही चीज है ये अब दूसरे पेपर में आई हुई है ये आपके स्टार्टिंग में हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कूप अब देखिए ये हम बोलते हैं तो कूप बोल देते हैं इसको ये कोप बोल देते हैं पर ये होता क्या है इसको हम कूप नहीं कहते ओरिजिनल जो ये वास्तविक है जो रियल वर्ड है वो क्या होता है ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं को क्या बोलते हैं क और बड़ा उ को बोला जाता है इसको हम इसको बिल्कुल गलत प्रोनाउंस करते हैं अब देखिए कु को हम लिखेंगे कैसे सबसे पहले क्या आया क तो क के लिए हमने स्लैश लगा कर क्या लगाया क, क और फिर उ, उ बड़ा है जो कैसे लिखते हैं बड़ा उ यू के बाद हम क्या लगा देते हैं डोट लगा देते हैं दो ये तो ये बड़ा ऊ होता है अभी हमने ये बड़ा ऊ लिखा है तो कूप कूप है जो ये पी क्या होता है साइलेंट होता है तो कू बोला जाता है इसको तो ये हमारा क्या हुआ फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और जहां पर देखिए सिंगल होता है हमारे पास वर्ड उसका कोई भी फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगता है तो यहाँ पर देखिए एक ही साउंड है इसके साथ तो हमने यहाँ पर कोई भी प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगाया है अब उसके बाद है देखिए विलेज अब विलेज को हम कैसे लिखते हैं तो देखिए इसको विलेज बोलते हैं कई लोग जो बिल्कुल रोंग होता है ये होता है हमारा वी ली विलेज अब ये ज है इसको कैसे बनाएंगे डी और ये थ्री वाली साउंड और ये वी है तो इसको वी फोर वैन बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं इसको देखिए व और ये हमारी साउंड है ई वी और फिर ल और फिर ई ली और फिर ज डी और ये थ्री वाली साउंड अब देखिए यहाँ पर जब दो साउंड है हम दो बार लगातार ये बड़ी वाली साउंड यूज नहीं करते कभी भी हम हमेशा क्या करते हैं जब ये दो साउंड एक साथ आती है हिंदी में लिखने में जैसे कि व के ऊपर हमारी क्या आई है स्मॉल ई का आई है तो मैंने क्या बताया था इससे पहले कि हम बड़ी ई बना देते हैं इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम ये ई बना देते हैं पर हमें क्या करना है जब ये लगातार दो बार आ रही है तो हम इसका यूज नहीं करते इनकी जगह हम किसका यूज कर लेते हैं स्मॉल ई का यूज कर लेते हैं इसका यूज अब देखिए कैसे बनाया व ई फिर ज के लिए हमने क्या बनाया ज के लिए बनाया डी और थ्री वाली साउंड इसको हम कहते हैं ज विलेज अब यहाँ पर स्लैश लग जाएगा विलेज है जो इसमें स्टार्टिंग में ही क्योंकि देखिए इसको हम अलग नहीं कर सकते विलेज ये एक साथ प्रोनाउंस होता है जैसे कि आर्ग्यूमेंट है जो वहां पर एम ई एन टी लगा है लास्ट में अलग से दो चीजें जोड़ी गई है दो वर्ड्स जोड़े गए हैं पर यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है तो यहाँ साउंड भी क्या होगी यहाँ पर ही क्या लग जाएगा प्राइमरी स्ट्रेस लग जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिसीट इसको हम देखिए आम भाषा में हम बोल देते हैं इसको रिसिप्ट पर ये रिसिप्ट नहीं होता इसको हम बोलते हैं र ई स -ए -ट, रिसीट अब ये स है जो यहाँ पर रिसीट तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे र सी ट री सीट री सीट अब री अलग से है और सीट यानी कि दो वर्ड मिलकर एक जो परफेक्ट वर्ड है जो जो सेंस देता है वो हम यहाँ पर बनाते हैं रिसीट सबसे पहले क्या लगाया स्लैश फिर र लगाया र, र, और फिर ए, ये है ई री लगातार दो ई है यहाँ पर तो इसलिए ये वाली ई यूज होगी एक में अब ये सीट सीट जब ये ई आई आ जाए तो हमेशा कौन सी साउंड यूज होती है ये वाली यूज होती है इनके रूल्स में आपको करवा चुकी हूं स्ट्रेस रूल्स में अब देखिए फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स में करवा चुकी हुई है मैं अब रिसीट है जब ई आई एक साथ आती है तो यहाँ पर ये साउंड यूज होती है र इ, स, स के लिए हमने क्या लगाया स और फिर हमें ये साउंड यूज करनी है ई आई के लिए ई और री सीट री सीट अब ये री है जो ये अलग से जुड़ा हुआ है अब सीट तो यहां पर हम क्या करेंगे प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ड्राफ्ट इसको देखिए ड्रोट बोल देते हैं कई बार हम पर ड्रोट नहीं होता ये होता है ड्राफ्ट ड रा ड्राफ्ट. ड्राफ्ट तो कैसे लिखेंगे इसको सबसे पहले हमने अगर इजली लिखना चाहते हैं बिल्कुल इजी बना कर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ड र फ और ट तो ड्राफ्ट है ये इसको हमने स्लैश लगाया फिर ड ये आ है हमारे पास आ को कैसे लिखते हैं ए डालकर जब हम बड़ी साउंड बनाते हैं तो हमेशा दो डॉट लगा देते हैं इनके बाद में जिसको हम कोलन भी कहते हैं तो ये आ है हमारा ड र आ, फिर फ फ के लिए एफ और फिर ट, ड्राफ्ट अब देखिए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट विमेन अब विमेन को हम कैसे लिखेंगे व ई मीन विमिन वी वी मिन। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास है स्लैश व ई व, वी फिर म और ई ई और फिर न वी मीन वी मेन अब देखिए वीमेन है जो ये हमारा कंप्लीट वर्ड है जैसे कि हमारा कौन सा वर्ड आया था अभी हमने आ, देखा है पीछे कि हमारे पास आया था विलिज वी लिज वैसे ही हमारा देखिए वी लिज विलिज वी वी और वीमेन दोनों एक ही तरह से ये प्रोनाउंस किए जाते हैं एक ही तरह से ये राइट किए जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कहाँ पर लगाएंगे जैसे विमेन में हमने स्टार्टिंग में लगाया था प्राइमरी स्ट्रेस वैसे ही यहां भी प्राइमरी स्ट्रेस स्टार्टिंग में लग जाएगा उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोटोग्राफी फोटोग्राफी अब देखिए फ इसको साथ के साथ लिखते हैं फो ट फ, ग र, आ, ई फोटोग्राफी अब देखिए जहां पर वाई आ जाए अभी मैंने आपको बताया था वहां पर कौन सी साउंड स्मॉल ई वाली आएगी अ ओ फोट, फोट फोट। अब देखिए फोट फोटोग्राफी नहीं बोलते इसको फोट। ये ओ है जो दूसरी बार आया है इसको हम सभा में बदल देते हैं क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला फोट अ है जो मामूली सा यूज हुआ है तो सब आ जाएगा अब ये फो है जो फ और ओ इनको बनाते हैं स्लैस फ ओ, ओ, ओ को कैसे बनाते हैं अ और ऊ को मिलाकर ये हमारा होता है ओ, फ अ ओ, फ ओ जैसे कि गो में भी हम क्या बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं और ओ, यही बनता है गो वैसे ही फो भी कैसे बनेगा जहाँ ओ होता है ओ की साउंड को कैसे लिखा जाता है अ और ओ को मिलाकर ए और ओ को मिलाकर फ अ, ओ अट और फिर ओ के लिए क्या लगाया सबा फोट और फिर ग ग के लिए हम क्या लगाते हैं जी लगाते हैं ग और फिर र और फिर आ आ की साउंड क्या आई बड़ा आ और फिर फ पी एच होता है एक साथ जैसे जी एच है तो उसको हम फै बना देते हैं पी एच है तो वो भी क्या हो गया फै हो गया तो यहाँ पर फोटोग्राफी आई होप आपको ये समझ आया होगा फोटोग्राफी उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ये इसको बोलते हैं हम लेबोरेटरी लेबोरेटरी नहीं होता ये आप जितने भी चैनल देखेंगे कुछ भी देखेंगे वो सारे लेबोरेटरी ही बोलते हैं पर लेबोरेटरी ये नहीं होता ये होता है ल ब ओ लबो रट्रे लबो रट्रे तो ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है लबो रटरे अब देखिए सबसे पहले हमने स्लैश लगाया ल ल के लिए स्मॉल एल फिर ब ब के लिए हमने ल अब यहाँ देखिए लबो तो यहाँ जो ल के बाद ये साउंड हमारी जैसे स के बाद आई थी सोसाइटी के अंदर यहाँ साउंड वैसे ही ल ब ल अ, ब ल, और फिर अ जो दिखाई नहीं देता उसके लिए सबा लगाया फिर ब और फिर ये ओ है हमारा तो कप वाला हमें ओ लगाना है यहाँ पर कप वाला ल बो ल, ल, ल रेट्री अब देखिए र और फिर अटरी रट अब अ और फिर जो अ यहाँ पर आया इन दोनों के बीच में उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर र और फिर बाई की जगह हम क्या लगाते हैं ये वाला ई लेबोरेटरी तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें अगर आप जान गए तो खुद से भी कोई भी वर्ड आएगा तो आप वहां पर इनको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब कर सकते हैं तो ये क्या हुआ ल अ, ब, उ, र, अ ट ई यानी कि हमें एक एक मात्रा को लिखना होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है लो अब लो है जो कैसे लिखते हैं ल और ओ ल ओ लो अब कैसे बनाए इसको हमने स्लैश ल और ओ ओ को लिखा जाता है ऐसे ही ओ अगर ओ होता है ये वाला ओ तो हम क्या लिखते हैं अ और ओ ये लिखते हैं अगर हमारा आ जाए ओ ये एक साथ ही दिया है इन्होंने ए डब्ल्यू आया है जैसे इसको हमने बनाया ओ तो इसके लिए इसको यूज करते हैं और देखिए सिर्फ एक ही साउंड है हमारे पास इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रेस नहीं लगाते हैं उसके बाद है वोर वोर है जो इसमें क्या करती है व, और फिर वॉर सबसे पहले W है तो W ही हम लगाएंगे व ओ, ओ ओ के लिए क्या लगाया ओ और फिर र, र है जो यहाँ पर देखिए जब लास्ट में र आता है तो वो साइलेंट ही होता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हमारा क्या बना वॉर उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्यूटिफुल तो देखिए एफ एल होता है तो उसको हम फल बोलते हैं और जो यू है ये यहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये साइलेंट ही होता है तो इसके लिए साइलेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा सबा यूज करते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ब्यूटीफुल सबसे पहले हम इसको प्रोनाउंस ही कर देते हैं साथ में हम इसको ट्रांसक्राइब करते हैं स्लैश ब ब लगाया ब के बाद ई ए और ए और यू तीन साउंड है ब्यू यू क्या बनाइए ई e, तो कौन सा यू? बड़ा बन जाएगा क्योंकि यू भी साउंड है यहां पर ई e, ए यू तीन साउंड है इनको मिलाकर क्या बना यू ब्यू ब्यू ब और यू ब्यू और फिर हमारे पास है ट की साउंड ट और फिर ब्यूट फल तो ट यहाँ पर टी नहीं बोलते इसको ब्यूटी नहीं बोलते ब्यूट ब्यूट ब्यू. ब्यू. के लिए हमने क्या लगाया अब ये हम लगाएंगे ब्यूट और फिर फल फ और ब्रैकेट के अंदर सब्बा और फिर ल और फिर स्लैश बंद हो जाएगा अब देखिए लास्ट हाँ, हमारा चलते हैं नाक, है जो क्वेश्चन नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पेपर अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर का तो ये फिफ्थ पार्ट में दिया है ए पार्ट ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स एंड ऑल्सो मार्क प्राइमरी स्ट्रेस एनी फाइव यहाँ पर फाइव करने हैं हमें तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास है इनफ तो ये क्या होता है इनफ जी एच एक साथ है जैसे कि ड्राफ्ट में आया था ये हमने अभी लास्ट वर्ड देखा था ड्राफ्ट तो यहाँ पर जी एच था तो जी एच का क्या बनता है फ बनता है तो वैसे ही इ नफ ई न फ इनफ तो ई e नफ इसको कैसे करेंगे हम प्रोनाउंस इनफ अब फनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे स्लैस ई के लिए हमने लगाया स्मोली ई नफ अब नफ के लिए हमें कैसे बनाना है न और यहाँ पर क्या है अ, अ की साउंड आई है तो हम ये वाला अ लगाएंगे क्योंकि यू यहाँ पर दिया गया है अगर तीन साउंड हो एक साथ तो उसका यू बना था जैसे कि ब्यूटीफुल में बना था पर यहाँ पर क्या है ई न साउंड है जब यू साउंड देता है तो हम ये वाला अ यूज करते हैं इ न अ और फ इनफ और यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रेस है हमारा कहाँ लगेगा नफ है जो यानी कि बीच में एक साउंड दी गई है और दोनों तरफ क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर लगेगा न के ऊपर इनफ अब देखिए सेकंड है हमारे पास इंजीनियर ये इंजीनियर नहीं होता ये होता है एन जी नियर इंजीनियर तो अ की साउंड देता है जब ई तो हम क्या लगाते हैं ये ही ई स्मॉल में यूज कर देते हैं इसको अ बोला जाता है फिर है हमारे पास न न लगाया फिर है ज ज को हम डी और ये जड़ इनको मिलाकर क्या बन मिल जाता है ज तो ये लगाएंगे हम थ्री वाला साउंड एन जी फिर है ई ई के लिए हमने लगाया ई फिर है हमारे पास न और फिर इ और अ और रल जब लास्ट में आता है तो ये क्या होता है साइलेंट इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर था पर हमने यहाँ पर नहीं लिखा है फिर स्लैश लग जाएगा अब देखिए प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पर कहाँ लिखेंगे इंजीन तो न के ऊपर यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा वो आप रूल्स में देखना अब देखिए फेमस फेमस कैसे लिखते हैं हम फेमस फ ए -मस। फेमस सबसे पहले हमने क्या लगाया स्लैश फ फिर ए ए को कैसे लगाया ए ये हमारा ए होता है ई और आई को मिलाकर फे म अ। इन दोनों के बीच में क्या है साउंड अ फिर अ के लिए हमने क्या लगाया सब्बा लगाया और फिर स फेमस अब उसके बाद देखिए हमारे पास है जजमेंट जजमेंट तो यहां पर देखिए जजमेंट है डी और जी एक साथ है तो कौन सी साउंड आएगी डी और थ्री वाली ये हमारा ज है सबसे पहले हमने क्या लगाया जजमेंट में स्लैश लगाया फिर ज की साउंड है ज क्या लगेगा डी और जड ज और फिर बीच में इनके साउंड कौन सी है जज तो देखिए यहाँ हिंदी में लिख कर बताती हूँ आपको मैं एक बार ज ज़।, ज़ मेंट जजमेंट तो ज और ज के बीच में एक साउंड भी तो है तो सबसे पहले हमने ये ज लगाया तो स्लैश लगाकर डी और ये साउंड ज और इनके बीच में एक साउंड है जो अ की तो उसके लिए हमने क्या लगाया यहां पर जो साउंड दी है वो देखेंगे हम तो यू की है तो इसके लिए हमने ये लगाया अब उसके बाद है फिर ज बनता है डी और जी को मिलाकर फिर हमने यही साउंड लगाई जज ये हमारा अगर जज आता है एग्जाम में तो आप ज अ ज़, ये लिख सकते हैं अब देखिए जज हुआ फिर मंट तो मेंट नहीं कहते इसको मेंट नहीं कहते ये मंट ही होता है तो म अ, अ, अ के लिए सब्बा लगा और फिर न और ट जजमेंट अब यहां पर देखिए स्टार्टिंग में ही लग जाएगा प्राइमरी स्ट्रेस नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए हमारे पास है मशीन मशीन म ये तो आपने लिखा ही होगा मशीन तो सबसे पहले क्या आ जाएगा स्लैश म और फिर इन दोनों के बीच में क्या है सबा है म अ फिर श श कैसे डालते हैं श और फिर ई इ, इ कौन सा है यहाँ पर बड़ी ई है तो हम किसको लगाएंगे बड़ी ई में ये वाला ई आएगा और फिर न। ये उसके बाद देखिए हमारे पास है सब्जेक्ट एज ए वर्व ये हमारे है यहां पर, subject. अब subject है तो कैसे लिखा जाता है सब जैक्ट सब्जेक्ट सबसे पहले हमने क्या लगाया स स के लिए स्लैश डालकर स एस लिखा सब इन दोनों के बीच में हमारा क्या है इन दोनों के बीच में सबा फिर ब, फिर ज है जो कैसे लिखा जाता है डी और ये साउंड डालकर ज और फिर हमारे पास ये साउंड है सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हमारे पास जो ई होता है जैसे तो ई का क्या आ जाता है ई ही लग जाता है सब्जेक्ट फिर क और ट क ट सब्जेक्ट अब देखिए सब्जेक्ट में सब और जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा प्राइमरी स्ट्रेस आ जाएगा लास्ट है हमारा अट्रैक्ट अब अट्रैक्ट है तो अ ट अट्रैक्ट सबसे पहले हमने क्या लगाया स्लैस फिर आ. सबा लग जाएगा क्योंकि ए बोलते अगर अट्रैक्ट बोलते तो हमारा ये साउंड आना था पर यहाँ पर अ है मामूली सा है तो हम क्या लगा देंगे सबा अ और चाहे डबल टी है चाहे ट्रिपल टी है चाहे फोर टाइम्स टी है कोई भी टी आ जाए तो सिर्फ एक ही यूज होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो ट आ जाएगा यहाँ पर और फिर है हमारे पास र र र के लिए आर लगाया फिर एक्ट यहाँ पर क्या है एक्ट ए अब देखिए अ नहीं है ये है ए तो ए आ जाए तो ये साउंड अ ट र ए फिर क और फिर ट अट्रैक्ट स्लैश फिर प्राइम स्ट्रेस कहाँ लगेगा इसका ट्रैक्ट पर तो टी का यहाँ आ जाएगा अट्रैक्ट में तो आई होप आपको ये समझ आया होगा थैंक यू